कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच केदारनाथ मंदिर के कपाट 29 अप्रैल बुधवार को खोल दिए गए। पूरे विधि विधान और परंपराओं के साथ सुबह 6:10 पर बाबा केदारनाथ के कपाट सादगी से खुले। केदारधाम के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग की मौजूदगी में मंदिर के द्वार खोले गए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के कारण श्रद्धालुओं को धाम में जाने की इजाजत नहीं है। देवस्थानम बोर्ड के 16 लोगों को ही केदारनाथ जाने की अनुमति मिली है। इसके अलावा धाम में कुछ मजदूर और पुलिस के जवान मौजूद रहे। इस बार बाबा केदारनाथ की डोली एक दिन पहले केदारनाथ पहुंच गई थी। आपको बता दें कि इसके बाद एक बार फिर हमेशा की तरह यहां अगले 6 महीने तक शिव की पूजा अर्चना की जाएगी। बात अगर तापमान की करें तो इस समय यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बाबा केदार हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बाबा केदार के आशीर्वाद से हम कोरोना की इस वैश्विक महामारी को हराने में अवश्य कामयाब होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण इस बार आम जन दर्शन के लिए नहीं आ सके, हम सभी के मन में बाबा केदार के लिए अपार श्रद्धा है। बाबा केदार अपने भक्तों पर ये स्नेह बनाए रखें, यही कामना है। आज शुभ मुहूर्त पर 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ जी के कपाट खुल गए हैं और इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बाबा केदार का आशीर्वाद सदैव हमको मिला है और ये आशीर्वाद हम सबके मंगल के लिए हमको मिलता रहेगा, ऐसी प्रार्थना मैं बाबा केदार से करता हूँ। ये वर्ष कुछ भिन्न परिस्थितियों में हम लोग देख रहे हैं और कोरोना वायरस की वजह से बहुत सीमित संख्या में बाबा केदार धाम के कपाट खुल रहे हैं। मैं भगवान केदारनाथ जी से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको इस महामारी से लड़ने के लिए सामर्थ्य दे, उनका आशीर्वाद हम सबको मिले। सारा शिव भक्त परिवार स्वस्थ हो, विश्व का कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी समृद्ध हों। आज इस अवसर पर मेरी सबके लिए यही शुभकामनाएं हैं। जय बाबा केदार। आपको बता दें कि चारों धामों को सर्दियों में भारी बर्फबारी और भीषण ठंड की चपेट में रहने के कारण हर साल अक्टूबर नवंबर में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है, जो अगले साल दोबारा अप्रैल मई में फिर खोले जाते हैं। इससे पहले अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 26 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए थे। इसके साथ ही चार धाम यात्रा का भी आगाज हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मंदिर समिति गंगोत्री को 1100 रुपए दान में दिए थे। लॉकडाउन की पाबंदियों के चलते फिलहाल श्रद्धालुओं को धाम में आने की अनुमति नहीं है। कोरोना वायरस के कारण देश भर में जारी लॉकडाउन के चलते इस बार केवल 21 तीर्थ पुरोहितों को कपाट के उद्घाटन में शामिल होने की अनुमति मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज़।